यहाँ पे आपको पिंजौर गार्डन का दृश्य दिखा रहे हैं। तो ये जो है, जब पिंजौर गार्डन के मेन एंट्री से हम अंदर आते हैं, तो ये जो फाउंटेन एरिया जो है, जहाँ पे पार्क भी है आसपास, अभी हमारा स्टार्ट हुआ है ये, तो ये हम यहाँ पे फाउंटेन दिखाएंगे बनाए हुए, और यहाँ पे चलने के लिए जगह रहेगी, और इसके साथ यहाँ पे लॉन एरिया होगा। इसी तरीके से नमस्ते, ये हमारी बीमा देवी मंदिर का दृश्य है, जिसमें ये 11वीं-12वीं सदी का एक दृश्य है, जिसमें हम बताना चाह रहे हैं कि उस समय ये एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, और मुगल शासक जब यहाँ पर आए थे उस समय ये खंडित हो गया था। यही जो पीछे आकृतियां दिखाई दे रही है, इसमें हम वहाँ की जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और वहाँ पर निकली ही बॉडियां भी हैं जिसको हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास। पांडवों के समय में, महाभारत के समय में, पांडवों का जब अज्ञातवास था, विराट नगर में उन्होंने अपना अज्ञातवास काटा, उस समय ये बावड़ियां स्थापित की गई, और ऐसी 5 बावड़ियां हम लाइव दिखा रहे हैं जो कि पिंजौर में अभी भी स्थापित है। ये पिंजौर में स्थित ना मंजी साहब गुरुद्वारा है, जो कि गुरु नानक देव जी सिख गुरु फर्स्ट है उनकी, वो यहाँ पे 3 महीने और 13 दिन के लिए रुके थे, और उन्होंने यहाँ पे एक शिला में पत्थर के ऊपर ना जो मूल मंत्र है सिख का वो केरा था उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने एक बाउली भी बनाई थी जो कि एक पवित्र जल के रूप में अभी भी लोग वहाँ पे आते हैं और जल को कलेक्ट करके लेके जाते हैं, तो हम ये डिपिक्ट यहाँ पे करना चाहते हैं। यहाँ पर हम जो वहाँ का पिंजौर गार्डन का पार्किंग एरिया है, वहाँ पे ये टॉय ट्रेन चलती है, इसको भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसके साथ ही हमने कोशिश की है कि हमारा जो पिंजौर का इतिहास है वो हम आप सबके समक्ष रख सके, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। नमस्ते, जो हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं इस दृश्य को दिखाने का, तो हमारा ये प्रयास जारी है, और आप सभी 29 दिसंबर को रविवार के दिन आमंत्रित हैं, आप आए और इस दृश्य को देखें कि यहाँ पे क्या बनाया गया है, जो इतिहास है उसको दर्शाने का जो प्रयास किया गया है वो आप देखें। धन्यवाद। कैमरा मैन उसके साथ।